हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हरसेंस। यार कैसे आप सब, होप करता हूँ कि सब ठीक हैं। तो भाई आज आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं द ऑल न्यू वरना। जैसे कि भाई सामने देख रहे हो ना, वरना का ये अपना वेरिएंट है SX। अब इसमें वही अपनी जो सीरीज़ आती है EEX S और SX और SXO और अपना सबसे ऊपर आता है टर्बो। ये अपना SX है विद सनरूफ। अगर रेंज की बात करें कहाँ से शुरू होते हैं, तो लगभग 10,90,000 रुपये से शुरू होकर 14 लाख रुपए तक जाती है। ऑन रोड की बात करें तो वही अपना भाई 2-2 लाख रुपए और मान लो इन सब में। बाकी अगर गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करें ना, तो मैट में अपना लोगो मिल जाता है, जैसे कि भाई अपना किया में आता है आजकल ये वाला मैट में। क्रोम में लोगो नहीं आ रहा है आजकल किसी भी गाड़ी में, ये अपना मैट में आता है। और ये देखो ना, शानदार से जो कनेक्टिंग आपको DRLs मिल जाते हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सामने आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और ग्रिल की अगर बात करें तो भाई जैसे कि अपनी i20 में आई थी ना ग्रिल, अभी लॉन्च की थी Hyundai ने, उस तरह की कुछ ग्रिल मिल जाती है, बहुत ही शार्प और बहुत ही सुंदर सी लग रही है। बाकी अगर गाड़ी के हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो आपको पूरा LED सेटअप के साथ मिल जाता है। देन अगर इंडिकेटर की बात करें तो आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया हुआ है। और एक चीज़ ना मुझे बहुत प्यारी लगी इस गाड़ी में, जो अपनी स्कार्टिंग्स आती थी, जो अब आफ्टर मार्केट लोग जाके वरना को मॉडिफाई कराते थे, इस बार कंपनी ने कुछ ऐसा ही अपना नीचे बम्पर दे दिया है। मतलब भाई स्कार्टिंग लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो। पर लोग जब भी जाते हैं करवाते हैं मॉडिफाई। साइड प्रोफाइल की बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टायर से, तो 16 इंचेस का अलॉय व्हील मिल जाता है, जिसकी टायर प्रोफाइल होने वाली 205/55R16। और अब बात करें गाड़ी के ORVM की, तो आपको मिल जाता है भाई अपना LED इंडिकेटर के साथ, जो कि अपना लॉक अनलॉक पे अनफोल्ड हो जाता है। बाकी जो इसके अपना डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, वो आपको सिल्वर में दिए हुए हैं, और ब्लैक में रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। ऊपर बात करें तो सनरूफ दिया हुआ, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। गाड़ी की अगर लेंथ की बात करें तो आपको लगभग 450 mm मिल जाती है, ये देखो। मतलब भाई बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर एक बार रियर प्रोफाइल की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर से कनेक्टिंग टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं। वरना की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है, मैट में Hyundai का लोगो आपको मिल जाता है, SX की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये देखो, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है यार ये वाली जो इन्होंने कट दिया है ना, बहुत ही सुंदर। नीचे जैसे कि मैंने बताया भाई, अपनी जैसे i20 में आती थी ना, फ्रंट में ग्रिल इसमें भी ऐसी है, और पीछे भी उसकी थोड़ी सी फिनिशिंग मिल जाती है, नीचे रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, और ये देखो इस बार जो अपनी की चेंज है, लॉक अनलॉक होल्ड और अपना बूट ओपनर बटन, बिल्कुल वही साउंड है जैसी साउंड अपनी आती है पौ पौ की, वही साउंड है सेम। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो ये है गाड़ी का डोर ट्रिम। अब सबसे पहले आप सोच रहे होगे ये चीज क्या है, तो ये चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये चीज है अपनी एम्बियंट लाइटिंग, ये वाली। अभी अंदर बैठ के दिखाएंगे तो प्रॉपर दिखेगी, अभी दिख नहीं रही होगी। बाकी इधर आपको मिल जाते हैं विंडो कंट्रोल, लॉक अनलॉक और अपने ORVM सेट करने के बटन। बॉस का इसमें इस बार म्यूजिक सिस्टम एड ऑन कर दिया, मतलब भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल साउंड होने वाली है। बोतल होल्डर और अपना कुछ सामान रखने के लिए, वैसे 2 बोतल आराम से आ जाएंगे नीचे। सिल्वर अपना इनसाइड डोर हैंडल आपको मिल जाता है। और ये अपनी जो सीट्स है, ये अपनी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इधर है बटन इसके, दिख नहीं रहेंगे आपको, ये देखो। ये मैं आपको दिखाऊँ एक बार, ये देखो आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब भाई लंबर सपोर्ट के साथ भी दी हुई है। और नीचे अपने वही जैसे भाई वरना में आते हैं ना, इस चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हैं ये बिल्कुल भी। फ्यूल ओपनर यहीं से खुलेगा, डिग्गी यहीं से खुलेगी, और सामने ही बोनेट यहाँ से खुलेगा। इधर आपको मिल जाते ट्रैक्शन कंट्रोल बटन और अपने हेडलाइट्स कंट्रोल। बाकी एक बार बैठते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और फिर आपको बताते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें मिलने वाली है। अब बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, जैसे सामने देख सकते हो भाई, स्टीयरिंग व्हील में इधर मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल ऑप्शन बटन और एडास बटन, इसी में बताया लेवल 2 का एडास आपको दिया हुआ है। और इधर मिल जाते हैं इन्फोरमेंट सिस्टम के आपको कंट्रोल। सामने अगर देखें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। एक तरफ स्पीडोमीटर है, एक तरफ टैकोमीटर है, और इधर आपको दिया 10.25 इंच की डिस्प्ले फॉर म्यूजिक सिस्टम। और इधर आपको मिल जाता है अपना कैमरा का बटन, ये देखो, ये कुछ इस तरह से अपना ऑपरेट होता है, ये अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा है। इधर मिल जाते हैं आपको वेंटिलेटेड सीट्स के बटन, फुली ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल, नीचे आपको 12 वोल्ट का पोर्ट, Type-C पोर्ट, USB पोर्ट, वायरलेस चार्जर। एम्बिएंट लाइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। गेट्स में भी अगर देखो ना आप, डोर में देखो, बाकी ये जो लाइनिंग है ना एम्बिएंट लाइटिंग, नेक्स्ट लेवल। और कुछ इसकी जो AC वेंट है ना, वो इंस्पायर्ड है जो इनकी अभी रिसेंटली Tucson लॉन्च हुई थी, उसमें भी कुछ इस तरह की AC वेंट थी। बाकी अगर डैशबोर्ड की बात करें तो अपना हार्ट टच में दिया हुआ है, और ये अपने बीच में आपको स्पीकर मिल जाता है। देन इसमें वह एक बार चेकआउट करें, ये देखो,
मतलब जो भाई टच रिस्पॉन्स है ना वो नेक्स्ट लेवल है। बाकी देखो मैप, बाकी इधर आपको मिला था ऑटोमेटिक IRVM और ये अपना टिकट होल्डर आपको दिया हुआ है। और जैसे कि होता है भाई टॉप मॉडल, तो इसमें आपको सनरूफ भी ऑफर की गई है, ये आपको लाइट मिल जाती है, रीडिंग लैंप या आपको LED दिए हुए हैं। बाकी एक बार देखो सनरूफ, सिक्स एयरबैग आपको इसमें मिल जाते हैं, और ये है इसका आर्मरेस्ट, इसमें नीचे अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। ये अपना हैंड ब्रेक, और इसमें जो टर्बो मॉडल आता है ना उसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग हैंड ब्रेक मिलता है। बाकी ये अपनी पार्किंग, जैसे कि मैंने बताया ये अपने आपको मिल जाता है ग्लो बॉक्स, अच्छा खासा स्पेस है भाई ग्लो बॉक्स के अंदर भी। और बॉस का इस बार इसमें म्यूज सिस्टम लगाया हुआ है, बॉस की अगर ब्रांडिंग दिखाऊं तो आपको कहां पे मिल जाती है ये देखो ये। बाकी यार गाड़ी का जो इंटीरियर है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, जो कॉम्बिनेशन है रेड एंड पीच कलर का वो नेक्स्ट लेवल। बाकी आप चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल मतलब रियर सीट की तरफ। तो जैसे अपना फ्रंट का डोर ट्रिम था ऐसी आपको सेम पीछे दिया हुआ, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सेम है एग्जैक्ट। और अगर आपको दिखाए ना तो यार मतलब पीछे बैठ के बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, जो अंडर थाई सपोर्ट है लेग रूम में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। और हाइट की बात करें ना गाड़ी की, तक मतलब भाई अच्छी खासी हाइट मेंटेन की गई है, गाड़ी की लेंथ पहले से बढ़ा दी गई है, और जैसे गाड़ी का व्हील बेस भी बढ़ाया है तो अंदर स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और पीछे देखें तो टाइप सी के आपको पोर्ट मिल जाते हैं, दो एसी वेंट इधर दी हुई हैं, ये देखो दो कप होल्डर्स के लिए स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऐसे कर देते हैं आर्मरेस्ट। और अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ, तो 528 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, ये देखो 528 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा है यार ये, अब तक तो यार मुझे लगता नहीं किसी और गाड़ी में है। बाकी स्टेपनी इसकी मिल जाती है आपको, और गाड़ी के इंजन बे की बात करें तो इंजन अपना है अपनी नई वाली वरना का इंजन बे, और इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 160 bhp की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 250 nm का, फोर सिलेंडर इंजन आपको मिलने वाला है। बाकी यार गाड़ी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल लग रही है। बाकी नीचे कमेंट करके बताना गाड़ी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।